हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए चलिए, तो हम खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक कप चावल ले लेंगे, इसको हम सोक कर देंगे थोड़े पानी में आधे घंटे के लिए। आप आधे से एक घंटा भी लगा सकते हैं पानी इसमें, मतलब जितनी देर सोक करेंगे उतने ही खीर हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी दोस्तों। सोक हो गए थे, मैंने पानी से अच्छे से धुल के साफ पानी से इसको निकाल लिया है, पानी इसका हटा के, और इसको डाल देंगे हम कुकर में। दोस्तों ना घी डालेंगे ना कोई तेल डालेंगे, खाली चावल ही डालेंगे कुकर में। उसके बाद ये हमारा मलाई वाला दूध था, एक कप दूध है। एक कप चावल में एक कप दूध लेंगे। इसमें दूध में मैंने मलाई जो डाली है, इसका जो मलाई का घी छूटेगा वो भी इसी में छूटेगा, तो चावल हमारे जलेंगे नहीं, लगेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। आप लोग इसी तरह से इसको बना के देखिएगा मेरी तरीके से, जिस तरह से मैंने बनाया है बता रही हूँ आपको, उस तरह से ही। चलिए तो फिर इसमें हम कुकर का ढक्कन लगाते हैं। लगा के एक विसल, बिल्कुल गैस को लो कर देना है। एक विसल लगा दी, ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। ज़्यादा लगाएंगे दूध तो दूध निकल के बाहर आ जाता है, जब स्टीम आती है हल्की हल्की तो बाहर आ जाता है। तो देखिए अच्छे से पक गए हैं खूब। अब इसमें चीनी डालेंगे, लेकिन चीनी हम बाद में डालेंगे दोस्तों। पहले हम ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, जो बच्चों को आपके पसंद हो, आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर लिया है, चीनी के साथ मिक्स मैंने पीस लिया था। एक चम्मच इलायची पाउडर है, नारियल है सूखा, जो ड्राई कोकोनट पाउडर होता है वो है, और किशमिश है थोड़ी सी। आप बादाम भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला। ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर एक कप ले लिया है सूखा पाउडर, मिल्क पाउडर है जो दूध का, आधा कप दूध में मैंने इसको मिला लिया है। मिलाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से मिला लेंगे, कोई भी इसमें लम्ब्स ना रहे। मिलाने के बाद उसी कुकर में हम खीर वाले कुकर में ही डाल देंगे, और इसको लो फ्लेम में धीमे धीमे थोड़ा सा पकने देंगे। धीमे धीमे इसको हिला देंगे। ये देखिए इस कुकर में एक सीटी आने तक, धीमी धीमी सीटी आई है। आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकाइएगा, हल्की बिसल आ जाए खोल दीजिएगा, क्योंकि चावल हमारे भीगे थे इसलिए दोस्तों इसमें समय नहीं लगेगा। खीर हमारी बहुत अच्छी बनती, बहुत टेस्टी बनती, इस तरह से बनाइएगा दोस्तों। इधर एक कप मैंने डाल दिए चीनी, एक कप चावल था। आप ज़्यादा चीनी जैसा मीठा पसंद करें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने एक कप चावल में एक कप चीनी डाल दी है, इसको मिलाते रहेंगे थोड़ी देर। मिला दीजिएगा दोस्तों। मिलाने के बाद आगे थोड़ा सा हमने डाला है एक कप दूध इसमें, चीनी का भी, जो चीनी डालते हैं तो हमारा थोड़ा सा उसका पानी जो छूटता है खीर में या किसी में भी, चाशनी भी बनाते हैं हम लोग तो। देखिए चाशनी तो गाढ़ी हो जाती है, लेकिन खीर हमारी थोड़ी पतली हो जाती है, क्योंकि चीनी का जो छूट पानी जो होता है, चीनी मेल्ट होती है तो वो मेल्ट होने के बाद पतला हो जाता है, तो खीर हमारी थोड़ी सी पतली हो गई थी। एक कप दूध डाला है, ये लीजिए बन के तैयार है दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो वॉच पूरी कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। आगे कमेंट में भी बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और बना के ज़रूर दिखिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।